हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ साफ सफाई का दूसरे राज्यों की तुलना में ज्यादा ध्यान रखा जाता है और यहाँ एक ऐसा गांव है जो स्वच्छ भारत अभियान के लिए मिसाल बन गया है। इस गांव का नाम है रक्षम। ये गांव हार कर जीतने के जज्बे की जीती जागती मिसाल है और यहाँ के बाशिंदों ने जीवटता की जो कहानी लिखी उसे सुनकर हर कोई हैरान है। वो दास्तां भी आपको सुनाएंगे, उससे पहले आपको हम बताते हैं इसके नाम का मतलब क्या है। रक्षम नाम दो शब्दों से मिलकर बना है, रक और क्षम। रक यानी पत्थर और क्षम यानी पुल। पहले होता था इस बासपा नदी के ऊपर रक्षम पत्थर का पुल। पत्थर को हम अपने भाषा में रक बोलते हैं, क्षम को पुल बोलते हैं, तो इसी नाम से विकसित हो गया ये रक्षम गांव। रक्षम गांव के इतिहास की बात करें तो साल 2002 में रक्षम गांव आग की भेंट चढ़ गया था। इस भीषण अग्निकांड में लोगों के पुश्तैनी मकान जलकर राख हो गए थे। इस घटना में लोगों की करोड़ों की संपत्ति, जेवरात और पुश्तैनी चीजें जलकर राख हो गई। हमारे यहाँ एक थोसारिंग में छड़ी छड़ी का मकान हुआ करता था, उधर एक टेलर रहता था जो टेलरिंग का काम करता था। वो रात को उसने प्रेस ऑन किया होना काम करने के सिलसिले में, उसने लाइट चली गई, बिजली चली गई गुल, वो भूल गया कि अपना प्रेस ऑफ करने के लिए, वो अपना डारा बंद करके चला गया। उसके जाने के तत्पश्चात वैसी बिजली आ गई, बिजली आ गई, उसका प्रेस इतना गर्म हो गया कि उसका वो खोखा में मतलब कपड़ों में लग गया जी आग। लोग जब तक जागे तब तक आग इतना भयंकर फैल चुका था कि पूरा गांव आग के चपेट में आ गया। गांव को दोबारा बसाने के लिए लोगों ने एक दूसरे की सहायता की। करीब 1.5 से 2 साल लगाकर गाँव को फिर से बसाया गया। इस गांव की एक खास बात यह है कि यहां पर रहने वाले ग्रामीणों को गांव के हर नियम का ख्याल रखना पड़ता है। जो ग्रामीण सर्दियों की वजह से बाहरी इलाकों में अपने पशुओं के साथ चले जाते हैं, उन्हें नियमानुसार अप्रैल महीने के मध्य तक गांव में अपने पशु और परिवार को लेकर गांव में प्रवेश करना अनिवार्य है। ऐसा ना करने पर गाँव उन ग्रामीणों से जुर्माना वसूल करता है। 2002 में आग लग गया, 2002 में रक्षम गांव पूरा जल के समाप्त हो। उसके बाद भी हमने इतना मेहनत करके गांव में आपस में मिलजुल कर बड़े बारी डेवलप करके इस गांव को मॉडर्न गांव बनाया और मॉडर्न गांव का हमारे को पुरस्कार राष्ट्रपति अवार्ड मिल गया। रक्षम गांव जो है वो हमारे पर्यटन के मानचित्र के ऊपर बहुत अच्छी तरह से उभर के सामने आया है और इसका सारा क्रेडिट जो है वो रक्षम के स्थानीय निवासियों को जाता है, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार त्रासदी से उभरने के बाद अपने गाँव में समस्त पर्यटन से जो संबंधित मूलभूत सुविधाएं हैं उसको वहां पर स्थापित किया। चलिए अब देखते हैं रक्षम गांव की स्वच्छता की कहानी। इस गांव की स्वच्छता के चर्चे सिर्फ हिमाचल या आसपास के क्षेत्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि रक्षम राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुका है। रक्षम को स्वच्छता के लिए राष्ट्रपति से सम्मान मिल चुका है और ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ गंदगी का कोई नामो निशान नहीं है। रक्षम गांव में प्लास्टिक से बनी चीजों को खुले में फेंकने पर प्रतिबंध है। बाहरी इलाकों के व्यापारियों को यहाँ व्यापार करने पर प्रतिबंध है। अगर कोई व्यापार करना चाहता है तो उसे पहले गांव के प्रधान से अनुमति लेना आवश्यक है। गांव में खुले में शौच करने पर प्रतिबंध है। गंदगी फैलाने वालों पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। गांव में जगह जगह कूड़ेदान स्थापित किए गए हैं। गांव की उपलब्धियों की बात करें तो रक्षम गांव को मॉडर्न गांव का दर्जा दिया गया है। गांव में चंडीगढ़ की तर्ज पर क्षेत्र के बारे में सूचक बोर्ड लगाए गए हैं ताकि कोई भी पर्यटक घूमने के दौरान भटक ना जाए। गांव में कंक्रीट के जंगल बनाने की बजाय लोग पौराणिक कलाओं से निर्मित मकान और टेंट के जरिए पर्यटकों को ठहराते हैं ताकि पर्यावरण को नुकसान न हो। राष्ट्रपति से सम्मान के बाद 2019-20 में एक बार फिर रक्षम गांव को स्वच्छता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। जस्टंग मतलब ऊपर आने का भी हमने डेट फिक्स रखा है, जस्टंग 5 मींस मई 15 और 20 के बीच ये जस्टंग आ जाता है 5। उस दौरान कंपलसरी सब गांवों को ऊपर रक्षम में ही पहुँचना, गांव में नहीं पहुँचा तो हम उन व्यक्ति के खिलाफ फिर स्पेशली फाइन रख देते हैं। तो आप भी समय निकालकर अपने परिवार के साथ किन्नौर के इस गांव की स्वच्छता का दीदार करने जरूर पहुंचिए और हार कर जीतना किसे कहते हैं उसका जीता जागता दीदार खुद कीजिए और करीब से देखिए हिमालय का दिल हिमाचल। ईटीवी भारत के लिए किन्नौर से अनिल नेगी की रिपोर्ट।